दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मणिका राव गावित का शनिवार को सुबह नासिक के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें 12 सितंबर को इलाज के लिए यूएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार रविवार को सुबह नंदुरबार जिले में स्थित उनके दुलियापाड़ा स्थित खेत में किया जाएगा। उनके निधन से नंदुरबार जिले में शोक का माहौल है। बता दें कि मणिका राव गावित का जन्म नंदुरबार जिले के नावपुरा तहसील में स्थित दुलियापाड़ा गाँव में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। इसलिए मणिका राव गावित का बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा था। उन्होंने नावपुरा गांव में और क्षेत्र में युवा के रूप में अपना राजनीति कार्य शुरू किया था। मणिका राव गावित 1980 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए थे। इसके तत्काल ही बाद 1981 में वे पहली बार सांसद चुने गए और लगातार 2009 तक 9 बार लगातार लोकसभा सदस्य रहने का सम्मान हासिल किया। दोस्तों आपका मणिका राव गावित को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।